की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं ऐसे दो स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि एक फ्लैगशिप किलर फोन है। एक है Realme GT 6 एंड दूसरा है OnePlus 12R। और इन दोनों ही फोन की जो अनबॉक्सिंग है मेरे चैनल पे है, इन दोनों ही फोन को हमने टेस्ट करके देखा है, तो हम यहाँ पे ये कंपेयर करने वाले हैं कि दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट है या फिर दोनों ही फोन के जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है। तो जितने लोगों को भी कंफ्यूजन है कि इन दोनों फोन में से किस फोन को हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए यहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं दोनों ही फोन के बारे में एंड वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इन दोनों ही फोन के लुक एंड डिजाइन को कंपेयर करके देखते हैं। और यहीं पे जो ये Realme GT 6 है वो आता है ग्लास बैक के साथ, और वहीं इन्होंने जो ये Realme GT 6T है उसका जो बैक आता था वो था यहाँ पे प्लास्टिक, लेकिन इन्होंने जो स्लाइटली जो डिफरेंट किया है वो सिर्फ मटेरियल में करा है। लेकिन जो यहाँ पे लुक है, डिजाइन है, आप Realme GT 6T का जो डिजाइन देखोगे सेम आपको Realme GT 6 में भी आपको सेम डिजाइन मिलने वाला है। जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा यूनिक नहीं बनाया है, एक फ्लैगशिप फोन भी है लेकिन जो डिजाइन है कुछ ऐसा यूनिक नहीं बनाया। लेकिन वही मैं बात करूं OnePlus 12R की, जो ये फोन है वो काफी आपको यहाँ पे प्रीमियम फील देने वाला है। जब इन दोनों ही फोन को मैंने इनहैंड फील किया था तो ये चीज जरूर थी कि जो OnePlus 12R है वो थोड़ा सा हेवियर साइड है, यानी कि आपको एक सॉलिड लगने वाला है फोन, क्योंकि उसके अंदर आपको जो फ्रेम है वो मेटल का फ्रेम दिया गया है। और यही मैं बात करूं Realme GT 6 की, जो फोन है वो आपको थोड़ा लाइट वेट में लगेगा क्योंकि जो उसका वेट है वो 200 ग्राम्स के अराउंड है, और जो OnePlus 12R है उसका जो वेट है वो 207 ग्राम्स के अराउंड है, तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन ये चीज देखिए कि जो बैटरी कैपेसिटी है वो दोनों की ही सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको OnePlus 12R में थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। एंड Realme GT 6 का जो इनहैंड फील होने वाला है वो आपको अच्छा जरूर लगने वाला है, लेकिन थोड़ा लाइट वेटेड फोन है, ये चीज काफी अच्छी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको OnePlus 12R में एक चीज और एक्स्ट्रा मिलती है एंड दैट इज अलर्ट स्लाइडर, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। प्रोटेक्शन इन दोनों फोन में आपको सेम मिलती है, गोरिल्ला ग्लास विक्टिस 2 का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों फोन की डिस्प्ले की। देखो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ दोनों ही फोन की, तो दोनों ही फोन का जो डिस्प्ले है काफी कमाल का है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ब्राइटनेस में डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको Realme GT 6 की जो ब्राइटनेस है वो है 6000 nits पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। वही मैं बात करूँ OnePlus 12R की तो वहाँ पे आपको 4500 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज जरूर बोलूंगी कि Realme GT 6 में आपको ब्राइटनेस आपको यहाँ पे ज्यादा मिलने वाली है, चाहे आप इंडोर यूज करें चाहे आप आउटडोर यूज करें, जो ब्राइटनेस है वो आपको OnePlus 12R से यहाँ पे ज्यादा मिलने वाली है। और ये भी बता दूं कि जो HBM है, हाई ब्राइटनेस मोड है, वो दोनों में ही सेम है, लेकिन जो ओवरऑल आपको जो यहाँ पे ब्राइटनेस मिल जाती है वो आपको डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे Realme GT 6 में आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन डिस्प्ले दोनों में ही आपको यहाँ पे कलर्स बिल्कुल सैचुरेट मिलने वाले हैं, डीप कलर्स आपको इन दोनों में ही दिखने वाले हैं। जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है यहाँ पे, तो दोनों में ही आपको 4K HDR का सपोर्ट मिल जाता है, कोई भी अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले इन दोनों ही फोन के सेम बोलने वाली हूँ क्योंकि मुझे दोनों के ही डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद आई है। आपको किसकी डिस्प्ले ज्यादा पसंद आई है ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोनों ही फोन में आपको यहाँ पे सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, आयर ब्लास्टर है, डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, दोनों ही फोन के अंदर आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन Realme GT 6 में आपको 360 डिग्री का NFC का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप NFC करते टाइम फोन को आसपास भी रखते हैं तो वो सपोर्टेड है। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट Realme GT 6 में एक ये है कि आपको AI के फीचर्स काफी मिल जाते हैं, यानी कि जैसे कि ऑब्जेक्ट इरेजर हो गया तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, या फिर आपको कोई फोटो को कट आउट करना है, स्टिकर बनाना है, तो वो चीज आप इजीली कर सकते हैं। और भी कुछ AI के फीचर्स हैं जो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें OnePlus 12R के अंदर हमें नहीं देखने को मिला है अभी तक। मे बी होपफुली जब आने वाले टाइम पे जब OnePlus और भी कोई फोन लॉन्च करे उसके अंदर हमें देखने को मिल जाए, लेकिन इस बार हमें Realme GT 6 में ही ये ऑप्शन देखने को मिला है AI फीचर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको सेम एंड्रॉइड मिलता है, 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है एंड 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है, एंड दोनों के ही अपने अपने अलग काम है। दोनों ही फोन में आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है प्रोसेसर की कि परफॉर्मेंस किसकी सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो देखो यहाँ पे आपको Realme GT 6 में क्वालकॉम की तरह से स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे। वही मैं बात करूं OnePlus 12R की तो वहां पे आपको मिलता है क्वालकॉम की तरफ से
स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर जो वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे, और OnePlus 12R का जो अंतुतु स्कोर है, जो प्रोसेसर का अंतुतु स्कोर है वो भी 12 लैक्स प्लस है। और वही मैं बात करूं Realme GT 6 की, तो जो उसका अंतुतु स्कोर है वो 14 लाख प्लस आपको यहां पे अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। जो थर्मल टेस्ट हमने यहां पे किए थे, तो ये चीज मैं बता दूं कि Realme GT 6 के अंदर हमें थोड़ा सा ड्रॉप डाउन जरूर देखने को मिला था। और ये चीज भी बता दूं, आप दोनों ही फोन के अंदर 90 FPS पे आप BGMI खेल सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई भी लैग एंड ड्रॉप का आपको इशू नहीं आने वाला है, चाहे आप OnePlus 12R की बात करें चाहे आप Realme GT 6 की बात करें। जो ऑप्टिमाइजेशन है आपको Realme GT 6 में ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन ये चीज भी है कि मुझे ये फोन थोड़ा सा हीट जरूर मिला था कि फोन अगर आप ज्यादा हाई टास्क यूज करते हैं, ज्यादा फोन को यूज करते हैं, तो थोड़ा सा हीट जरूर हुआ था ये फोन। लेकिन अदरवाइज मैं अगर दोनों ही फोन की बात करूं तो यहां पे आपको ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेटर मिल जाती है Realme GT 6 के अंदर गेमिंग के मामले में। एंड वहीं आपको OnePlus 12R में भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, कोई भी लैक एंड ड्रॉप का इशू आपको नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप बेटर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो चीज आपको यहां पे Realme के अंदर ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी दोनों ही फोन परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल सही है। बैटरी की बात की जाए तो यहां पे आपको बैटरी कैपेसिटी दोनों में ही सेम मिलती है। बैटरी में यहां पे आपको Realme GT 6 में 5500 mAh की बैटरी मिलती है जो सपोर्ट करती है 120 वाट के चार्जिंग स्पीड को। और मैं वही बात करूं OnePlus 12R की, तो आपको सेम बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, 5500 mAh की बैटरी मिल रही है, लेकिन जो चार्जिंग सपोर्ट है वो आपको 100 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। आपको एक दिन का बैटरी बैकअप दोनों ही फोन में आराम से मिल जाएगा। और ये चीज भी है कि 35 मिनट्स में ये दोनों ही फोन 0 to 100% चार्ज हो जाते हैं, तो एक फास्ट चार्जिंग का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। सो बात करते हैं इन दोनों फोन्स के कैमरे की, तो पहले दोनों ही फोन्स के कैमरा सेटअप देख लेते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो Realme GT 6 के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे वाइड कैमरा मिलता है जिसके अंदर OIS का सपोर्ट है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो आपको यहाँ पे मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। मेन कैमरे में आप 4K की वीडियोस को 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे में आपको 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाता है जहां पे आप 4K की वीडियोस को 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सेम एज आपको OnePlus 12R में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है जिसके अंदर भी आपको वॉइस का सपोर्ट है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है जहां पे आप 1080p की वीडियोस को 30 FPS से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंस यहां पे आपको ये हो जाता है कि Realme GT 6 के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिला है, वहीं आपको यहां पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल रहा है, और OnePlus 12R में आपको मैक्रो कैमरा मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको Realme GT 6 में, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे सारी फोटोज देख सकते हो जो हमने Realme GT 6 से क्लिक करी है और OnePlus 12R से क्लिक करी है, दोनों ही फोन्स के फोटोज आपके सामने हैं। आप ये चीजें देख सकते हैं कि Realme GT 6 में आपको जो शार्पनेस है, जो आपको स्किन टोन है, जो नेचुरल कलर्स है, वो आपको यहाँ पे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो वीडियो स्टेबिलाईजेशन की बात करें, दोनों ही फोन से हमने वीडियो स्टेबिलाईजेशन यहाँ पे चेक किया है, तो ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इन दोनों ही फोन में आपको फीचर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन आपको Realme GT 6 में आपको यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा और बेटर देखने को मिलेगा। बाकी कनेक्टिविटी की बात की जाए तो सारी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, दोनों ही फोन 5G बैंड को सपोर्ट करते हैं, बाकी सारे सेंसर आपको मिल जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, फेस अनलॉक है, ये दोनों ही फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। और प्राइस की बात करूं तो दोनों ही फोन के जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बात आती है स्पेसिफिकेशन की, तो दोनों ही फोन अपनी जगह पे काफी बेटर है। यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस मुझे Realme GT 6 की थोड़ी ज्यादा बेटर लगी है, बाकी अगर मैं डिजाइन एंड लुक की बात करूं तो OnePlus 12R का भी डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये दोनों ही फोन के अंदर आपको स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी मिल रही है। दोनों ही फोन अपनी अपनी जगह में बिल्कुल ठीक है, बस बात ये है आपके चॉइस की कि आपको कौन सा फोन लेना पसंद है। अगर आप बिल्कुल ही परफॉर्मेंस बेस्ड फोन लेना चाहते हैं ना, तो आप Realme GT 6 की तरफ देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक ऑलराउंडर भी फोन चाहिए जहां पे आपको डिजाइन भी अच्छा मिल रहा है, प्रोसेसर भी इवन आपको अच्छा मिल रहा है, कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी है, सारी चीजें आपको बिल्कुल बैलेंस चाहिए, तो आप OnePlus 12R भी देख सकते हैं। सो होपफुली आज की मेरी वीडियो आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा है ये चीज भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।